हम रियल नंबर्स कर रहे हैं, रियल नंबर्स। ठीक, अब रियल नंबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू बोल लो, फ्रॉम एनी रिस्पेक्ट बोल लो, कि हमें जो चीज अच्छे से सीखनी चाहिए, मुझे जो लगता है वो एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट को है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल के कंसेप्ट को है। मैं एक बार दोबारा इसको रिवाइज करवाता हूं जल्दी में। अब आप पहले समझो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन की बात हो रही है तो कॉमन तो किसी दो चीजों में निकलेगा ना, कम से कम दो चीजें होनी चाहिए जिसमें से कुछ कॉमन निकालें। तो अगर कोई दो नंबर्स हैं, मान लो 15 और 20, 15 और 20, इनका एचसीएफ निकालने का प्रैक्टिकली जो मीनिंग होता है, एचसीएफ निकालने का जो प्रैक्टिकल मीनिंग होता है, एक ऐसा नंबर ढूंढना, एक ऐसा नंबर निकालना जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, जो डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा हो। डिवाइड करने वाला ऐसे तो 1 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी डिवाइड कर देगा, समझ रहे हो, 1 भी डिवाइड कर देगा ना दोनों नंबर्स को, डिवाइड कर देगा का मतलब एग्जैक्टली होल नंबर में आंसर आए, डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा हो, बस ऐसे याद रखो। और एचसीएफ को निकालते कैसे हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, कॉमन कॉमन निकाल, बस सिंपल। या फिर एक्लूइड्स जी वाला फंडा लगा दो, एक्लूइड्स जो हमने, हमारे महाराज थे एक्लूइड्स जी, उन्होंने बताया, अच्छा भूमि का पेन मत खाया करो तुम, इससे अच्छा तो वो टीथर ले आओ, जो होते हैं ना वो अपने मुंह में डालो और खुश रहो, डोंट ईट पेन। एक एचसीएफ ये आ गया, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर जो 15 और 20 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली जो डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, और सबसे छोटा भी होगा, और सबसे छोटा भी होगा। जैसे 15 और 20 का एलसीएम बताओ, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकालते हैं हम इस वाले मेथड से, 60। सिक्सटी। सोच के देखो, 60 एक ऐसा नंबर है जो 15 से भी डिवाइड हो रहा है और रिमेन क्वेश्चन आ रहा है 4, 60 एक ऐसा नंबर है जो 20 से भी डिवाइड हो रहा है और क्वेश्चन आ रहा है 3। अब ऐसे ही 60 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 60 के जितने भी मल्टीपल होंगे, जैसे 60 into 2, ये भी तो 15 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आंसर आएगा 8। 60 into 2, ये भी 20 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आंसर आएगा 6। भाई 60 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो डिवाइड होते चलेंगे ना 15 और 20 से, इसमें आंसर कितना आएगा 12, इसमें आंसर कितना आएगा 9, समझ रहे हो। बट जो एलसीएम होता है वो सबसे छोटे वाला होता है, बात समझ रहे हो, एलसीएम सबसे छोटे वाला होता है, एक ऐसा नंबर जो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 20 से भी डिवाइड हो जाएगा और सबसे छोटा भी होगा, बात समझ आ रहे हो ना, ये बात प्रैक्टिकली एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, इतनी बात क्लियर है, हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा। फिर हमने थोड़ा सा ये भी देखा था कि जो एक्लुइड्स थे उन्होंने क्या बताया, कि जैसे एक तो हमें एलसीएम ऐसे निकालना आता है, और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 5 into 3, 20 की कर लो 5 into 2 into 2, अब इनमें से कॉमन निकाल लो, है ना भी, इनमें से कॉमन पेयर निकाल लो, ये बन गया 5, एचसीएफ आ गया। बट एक्लुइड्स ने एक और तरीका भी बताया, एक्लुइड्स ने कहा कि बड़े नंबर को डिवाइड कर दो, बड़े नंबर को डिवाइड कर दो छोटे से, ठीक है ना विदीप, बड़े को डिवाइड कर दो छोटे से, अच्छा अब कितना आएगा, 15 1 15, एक पे कटेगा 5 आ गया। अब जो हमारा पहले डिवाइजर था उसको डिवाइड कर दो, जो हमारा रिमाइंडर आया कितना आ गया, 3 पे पूरा पूरा कट गया, तो यही हमारा एचसीएफ होगा, यही हमारा एचसीएफ होगा। आपको हर क्वेश्चन को पहले ऐसे लिखना है और फिर लिख के दिखा देना टीचर को, कैसे लिखोगे, डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, और आपको यह भी लिख देना है कि जो रिमाइंडर है वो 0 और 15 के बीच में है, ये भी बात उन्होंने सही बोली थी। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा ये पहले जिससे हम डिवाइड कर रहे थे डिविजर था उसको डिवाइड करना है रिमाइंडर के साथ, 5 into 3 plus 0,
अब यहां पे जीरो बन गया, उससे पहले वाला जो रिमाइंडर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। जहां पे जीरो बन गया उससे पहले वाला जो रिमाइंडर होगा वही एचसीएफ होगा। देखो, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। बड़ा सिंपल सा फंड है, बड़ा सिंपल। समझ आया ना ये कंसेप्ट, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है? दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन टू अंडरस्टैंड ऑन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचसीएफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम। देखो बच्चों, एनीवन हैविंग डाउट प्लीज आस्क फ्रीली, खुल के पूछो, खुल के। अगर नहीं समझ आया कुछ भी तो भी पूछो। तो आगे बढ़े, क्वेश्चंस करें और थोड़े से। चलो, हर क्वेश्चन में मैं दोबारा भी समझाने की कोशिश करूंगा आपको। एक क्वेश्चन लिखो, एनी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, वो ट्रूप नहीं होते जो मतलब झुंड में होते हैं चीजें, मतलब आर्मी के अलग अलग होते हैं ना बैचेस, उसको कंटेनमेंट बोलते हैं। कि 616 मेंबर्स हैं, ठीक है, इस टू मार्च बिहाइंड एंड आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। थोड़ा सोच के करना क्वेश्चन को प्रैक्टिकली कि क्या करेंगे। इन अ परेड द टू ग्रुप्स आर टू मार्च। एक ग्रुप तो ये 616 मेंबर्स का और एक ग्रुप ये 32 मेंबर्स का, ये दो ग्रुप हैं, ठीक है। इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम number of columns in which they can march, in which they can march। थोड़ा सोचिए, थोड़ा। 616 members एक हैं, 32 members का एक group है, यहां पे 32 members हैं, पहले इनको चलना है, फिर इनके पीछे 616 मेंबर्स को चलना है। ऐसे कॉलम वाइज चलना है, कॉलम वाइज। ऐसे आपने देखी होगी परेड, तो कितने मैक्सिमम कॉलम्स ये बनाए, इन 32 मेंबर्स को पीछे कितने कॉलम्स बनाए। सोच के देखो थोड़ा। वेरी गुड, 8 इज द राइट आंसर। सुदीक्षा, काविन, शाबाश। थोड़ा समझ के देखो बेटा, समझ के। संतरूप, गुड। मान्या, थोड़ा सोचो। निहारिका, शेफी, जानवी, वेरी गुड। पीयूष, भूमिका, वंशिता, अभिदीप। अरे तू सच बोल रहा ना अभिदीप? क्या कह रहे हो सर? सच बोल रहा है मेरे भाई? यस सर। सर नोटबुक की फोटो भेजूं सर? अरे नहीं नहीं, अगर आप झूठ बोलोगे तो शायद उस भगवान को ही बोल रहे हो। यस सर। अब देखो बेटा, एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो
32 को भी डिवाइड कर दिया और 616 को भी डिवाइड कर दिया और हाईएस्ट हो, समझ रहे हो ना? सोच के देखो, पहले एचसीएफ निकालो कितना आया इनका, 32 और 616 का एचसीएफ निकालो, इसको लिखेंगे 2 की पार 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना? 616 को लिखना कैसे लिखोगे, ये तो 2 की पार 5 होती है, क्लब करके लिख लिया करो, छोटे बच्चे तो है नहीं, इसको प्राइम फैक्टराइज करो, टू की पावर पूरी बता दो यार कितनी आई है, 2 क्यूब इंटू 7 इंटू 11 Yes, sir. और मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि पेपर में ना आप अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल है स्कूल के पेपर में ये मत करना, स्कूल के पेपर में ना आप एक्लूइड्स वाली एचसीएफ ही लगाना, ठीक है? अगर एचसीएफ का क्वेश्चन आता है तो आप एक्लूइड्स वाला मेथड ही लगाना बेटा, ठीक है? ज्यादा बढ़िया रहेगा, मतलब हमें क्यों किसी को मौका देना कि हमारे मार्क्स काटें, एक्लूइड्स का अलग ही लगाना इजी है, मतलब 616 को डिवाइड कर दो 32 से, बताओ कितना आएगा क्वेश्चन, 19 और यहाँ पे 608 आएगा। अरे ठीक है मेरे भाई, गुस्सा क्यों कर रहा है? नहीं सर, 4 पे 32 ये कट गया, ठीक है? तो जहां पे रिमाइंडर जीरो आया उससे पहले वाला रिमाइंडर ही हमारा एचसीएफ बन गया, तो ज्यादा बढ़िया तो ये टीचर को ऐसे करके दिखा दो, और ज्यादा बढ़िया ये कि लिख के भी दिखा दो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, है ना? अच्छा चलो, ये एचसीएफ तो आ गया 8, अब सोच के देखते हैं ये चीज क्या है, अगर मैं इनको 32 मेंबर को 8-8 के ग्रुप में बांट दूं, मतलब देखो 32/8 कितना होगा, 4 होगा, 4 देखो 4 मेंबर्स यहां पे रखूं, ऐसे 8 कॉलम्स बना दूं, 8 कॉलम्स बना दूं, 4 4 4 4 4, और उसके बाद फिर इनको भी बांटना 8 में पॉसिबल होगा ना, क्योंकि इनको yes, 8 डिवाइड कर रहा है ना, 616 को भी तो एक ऐसा नंबर, 8 एक ऐसा नंबर है जो 616 को भी डिवाइड कर रहा है, 8 इज अ दैट नंबर व्हिच डिवाइड्स 616 आल्सो, तो जब 616 को एग्जैक्टली कितना में डिवाइड कर देगा 8, 77, तो इसके पीछे 77 मेंबर्स आएंगे, इसके पीछे फिर 77 आएंगे, थोड़ा फील कर पा रहे हो? देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायद आप समझ जाओ, देखो 4-4 तो ये हो गए आर्मी बैंड वाले, उसके बाद उनके जो सोल्जर्स हैं वो पीछे चलेंगे, बात समझ गए कि नहीं? मैक्सिमम कॉलम्स आप ऐसे बना पाओगे, मैक्सिमम कॉलम्स आप ऐसे बना पाओगे, क्लियर हुई बात? यस सर। अगर आपने एक आधी कॉलम कम ज्यादा बना दी तो दिक्कत होने वाली है, फिर वो पूरे पूरे मार्च मतलब पूरे पूरे बंदे फिट नहीं होंगे, ऐसे पूरा आपको लगेगा नहीं कि वो एक स्केयर की फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक? होप सो। अगला क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, 5 इन ईच केस, सोच के देखो क्या करेंगे, बड़ा इजी है ये तो, 245 1029, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे वो तो इनका एचसीएफ होगा, बट हमें एग्जैक्टली तो चाहिए ही नहीं, हमें तो 5 रिमाइंडर चाहिए, तो पहले आप 5 माइनस कर दो दोनों में से, यहां बनेगा 240, यहां 1024, अब आप इनका एचसीएफ निकालो, अब आप इनका एचसीएफ निकालो,
क्योंकि इनका एचसीएफ इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, 240 और 1024 को डिवाइड करेगा, बट जब इनको डिवाइड करेगा तो पांच पांच रिमाइंडर आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? बेटा ये बात समझ आ रहा है कि नहीं? 240 और 1024 के एचसीएफ कैसे निकालोगे? एक्लूड्स वाला मेथड लगाते हैं। चलो अब प्रैक्टिस ही उसी की करते हैं। एक्लूड्स वाला मेथड क्या कहते हैं? अगर हमें 240 और 1024 का एचसीएफ निकालना है, जिसको नहीं आता वो सीख लो एक्लूड्स वाला मेथड। एक्लूड्स वाला मेथड कहता है कि बड़े नंबर को डिवाइड करो छोटे से, करो क्या बनेगा, किस पे जाएगा? फोर पे। और yes, कितना आने वाला है? 960। yes, कितना बचने वाला है? 64। अच्छा अब 64 से डिवाइड करते हैं 240 को, कितना बचने वाला है? 3 पे। कितना आने वाला है? 192। कितना बचने वाला है? 48। अब 48 से डिवाइड करते हैं 64 को, एक पे जाने वाला है और कितना बचने वाला है? 16 से डिवाइड करते हैं 48 को, समझ रहे हो ना बेटा पैटर्न कैसे चल रहा है? जो रिमाइंडर आ रहा है फिर उससे डिवाइड करते हैं जो पहले वाला हमारा डिवाइजर था, और ये तो पूरा पूरा ही कट जाएगा मेरे हिसाब से। yes, sir. तो कहने का मतलब HCF क्या आ गया? 16। ये हमारा एक्लूड्स वाला मेथड भी रिवाइज हो गया। अच्छा अब सोच के देखते हैं, 240 मतलब 16 मतलब 240 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। 240 को कैसे लिख सकते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। बताना कितना आएगा 240 से? 240 से कोशेंट कैसा आएगा बच्चों? सिक्सटीन पूरा पूरा ही कटेगा गधों, रिमाइंडर बता दो, क्वेश्चन तो बता दो क्या आएगा? 15 सर। 15। अब हमें तो 245 से डिवाइड करने में पांच रिमाइंडर चाहिए था, देखो वो आ ही रहा है। जब इस तरफ पांच ऐड कर देंगे, पांच ऐड हो जाएगा, दोनों तरफ पांच ऐड हो गया, दोनों तरफ पांच ऐड हो गया, इस तरफ कर दो तो 245 को ऐसे लिख सकते हैं 16 × 15 + 5, समझ रहे हो कि नहीं? देख लो तो 16 एक ऐसा नंबर है जब 245 को डिवाइड करेगा तो पांच रिमाइंडर आएगा। अब ऐसे ही यहां पे चेक कर लो, 1024 को 16 तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा, कितना आएगा क्वेश्चन? 64। अब जब दोनों तरफ पांच ऐड करेंगे, यहां पे बन जाएगा 1029, यहां पे 16 × 64 + 5, तो 16 एक ऐसा नंबर भी है जो 1029 को डिवाइड कर रहा है और पांच रिमाइंडर आ रहा है, समझ गए ना? अप्रोच क्या है, कंसेप्ट समझ गए, फील करना समझ गए ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है अगर हम समझ के करें तो। अगर नहीं समझ आता होता ना बेटा 100 बार पूछो, पूछना आपका फर्ज बनता है और बताना मेरा। सर ये नहीं समझ आया सर कि जब हमने 64 से सर जब मल्टीप्लाई किया था सर, वो हमें कैसे पता लगा सर कि 64 के साथ ही मल्टीप्लाई करना चाहिए? किसको? इसको? यस। अरे मेरे भाई 1024/16 करके देख कितना आ रहा है। ओके। अब वैसे भी नहीं कुछ खाए पिए में कुछ भी पूछ लो, बी अलर्ट। क्वेश्चन अगला, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 398, 436 and 542, leaving remainders 7, 11,
एंड 15 रिस्पेक्टिवली. हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इनको डिवाइड कर दे. अगर मान लो ये क्वेश्चन होता, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होता जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे. एचसीएफ ढूंढते हैं ना, तो एचसीएफ ढूंढते सीधी सी बात है लार्जेस्ट में. बट अब मैं चाहता हूं कि वो नंबर इनको जब डिवाइड करे तो 7 रिमाइंडर आए, इसको 11, इसको 15. सीधी सी बात है, पहले ही नंबर को माइनस कर दो. इसमें से 7 माइनस करके एक नंबर निकाल लो, इसमें से 11 माइनस करके एक नंबर निकाल लो, इसमें से 542 में से 15 माइनस करके एक नंबर निकाल लो. समझ रहे हो ना, ये कितना बनेगा 391. 436 में से 11 गए 425, 42 27. अब ये एक ऐसे नंबर्स होंगे कि इनका मैं जब एचसीएफ निकालूंगा वो इनको तो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. इनका जब भी मैं एचसीएफ निकालूंगा तो वो इनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. तो इससे 7 बड़े नंबर को इसमें जब 7 जोड़ूंगा, इसमें 7 बड़े नंबर से जब डिवाइड करे होगा वो एचसीएफ, जब मैं एचसीएफ को इससे 7 बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा तो वो 7 रिमाइंडर देने वाला है ना. बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा? बड़ी सिंपल सी अप्रोच है. देखो सारे समझ रहे हो, गुरजोत समझ रहे हो बेटा, गौरव. अच्छा, अब आप एचसीएफ कैसे निकालोगे? एचसीएफ देखो, एक्लुइड से अगर इनका एचसीएफ निकालना हो तो पहले किसी भी दो का एचसीएफ निकाल लो, किसी भी दो का एचसीएफ निकाल लो, किसी भी दो का एचसीएफ निकाल लो. चलो निकालो, बड़ा नंबर है हमारे पास 425, इसको हमें डिवाइड करना है 391 से. किस पे जाएगा? एक पे ही जाएगा. कितना बचने वाला है? 34. अब 34 से डिवाइड करना है हमें 391 को. कितना आने वाला है बताओ बेटा? 11 सर. 11 पे कितना आएगा ये? जी सर, वन से गलती कर दी सर. 374 बन रहा है. 11 17 ठीक है. 17 से आप 34 को, ये तो पूरा ही कट गया. देखो एचसीएफ तो निकालना कंफर्टेबल हो गए होंगे सारे. 17. अब ये 17 हमारा HCF आ गया. बट HCF ये वो वाला नहीं आया, 17 HCF आया है इन दोनों का, इन दोनों का. ये बात समझ रहे हो? इन दोनों का. अब हमें तीनों का चाहिए था तो मैं पहले इन दोनों का HCF निकाल लिया, फिर अब इसका और इसका निकाल लेता हूं. जो HCF आया और 527 आया. Eclipse तो दो पे ही लग सकता है ना. Eclipse की यही लिमिटेशन है कि वो दो नंबर्स पे लग सकता है. तो मैं क्या करता हूं, अब 17 और जो एक नंबर बच गया था उन दोनों का एचसीएफ निकाल लेता हूं, वो नेट आंसर आ जाएगा. समझ रहे हो? जब तीन आ जाए आप किसी भी दो का निकाल लो एचसीएफ, फिर जो एक एचसीएफ आ गया आपका और एक नंबर बच गया उनका नेट एचसीएफ निकाल लो, वो आपका आंसर आएगा. ऐसे ही होना चाहिए, ऑब्वियसली सी बात है. समझ रहे हो कि ये बात के नहीं? बताओ यहाँ पे कोई डाउट है? यस सर. सॉरी सर, क्या कह रहे हो? समझ रहे हो सारे? यस सर. यस सर. अच्छा, अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे भाई? बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं 17 से. करो 31 से. 31 527 किस पे? 31 से. पूरा ही कट गया. यस सर, काम बन गया, पूरा ही कट गया. तो 17 ही फिर एचसीएफ आ गया नेट.
नेट एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर्स इज 17. अब आप सोच के देखो 17 एक ऐसा नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा किन किन को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला है 391, 425 और 527. इनको वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा एग्जैक्टली रिमाइंडर जीरो आएगा एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 17. पर अब आप देखो अगर इस नंबर में 7 ऐड हो जाए तो रिमाइंडर तो ऑटोमेटिकली 7 आ जाएगा जब 17 से डिवाइड करेंगे और सबसे हाईएस्ट भी है. आप समझ रहे हो ना रिमाइंडर ऑटोमेटिकली 7 आने वाला है आप लोगों के पास जब इसमें कितना ऐड होगा 11 तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली 11 आ जाएगा. समझ रहे हो जब इसमें कितना ऐड होगा 3 तो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर 15 आने वाला है 17 से जब हम डिवाइड करेंगे क्योंकि इससे 15 छोटा नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है. क्या बच्चों अप्रोच समझ पा रहे हो यस और नो में बताओ. यस सर. यस सर. देख लेना यार ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है और बहुत अच्छा भी है. चलो अब आप एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा डिफरेंट टाइप का. पहले तो आप ये निकालो कहते इफ सोच के करके देखो ठीक है पहले खुद से फिर मैं करवाता हूं. इफ डी इज द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 72 फाइंड एक्स वाई सेटिस्फाइंग D is equals to 56x plus 72y. Also show that x and y are not unique. Come on, guys. और बच्चों सेम आईडी से ही ज्वाइन कर लेना ठीक है. मैं पता क्या चाहता हूं आप लोगों से आप इसका एचसीएफ निकालो एक्लूड से बस एक एक स्टेप को लिख के पहले जल्दी जल्दी वो कर लो फिर उनको लिखो बस मैं इतना चाहता हूं. पहले आप एचसीएफ निकालो जो जुगाड़ होता है जल्दी जल्दी वाला डिवीजन 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 फिर उसको लिखना सीखो बस उसके बाद मैं कराऊंगा. इतना काम तो कर दो इतना काम तो कर सकते हो. वेरी गुड एचसीएफ तो 8 आ गया. 8 आया. यस सर. यस सर. अभी दीप आया 8. नो सर गलत आ रहा है. तो देख ले फिर एचसीएफ नहीं निकल रहा. नहीं सर जल्दी मैंने कहा सर 1 मिनट. चलो अरे क्या बात है मुबारक सर हो गया. अरे क्या बात है मिठाई बांटो. चलो करें क्वेश्चन को एचसीएफ निकालते हैं. देखो पहले जल्दी जल्दी वाली चीज से डिवाइड करना है बड़े नंबर को छोटे नंबर से तो एक पे कटेगा और कितना बचने वाला है 16.
फिर 16 से डिवाइड कर देते हैं 56 को, 3, 48 मतलब यही एचसीएफ होगा। अच्छा अब सुंदर सुंदर लिख के भी दिखा देते हैं मैम को क्या फर्क पड़ता है। 72 डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन 56 जो हमारा डिवाइजर होगा उससे छोटा ही होता है रिमाइंडर। उसके बाद हमने क्या किया 56 को डिवाइड किया, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर था 8 और यहां पे लिख देना चाहिए 8 छोटा है 16 से और 0 से तो बड़ा ही है। फिर उसके बाद हमने क्या किया 16 को डिवाइड किया 8 से, 2 पे कट गया पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आया, तो इससे पहले वाला रिमाइंडर हमारा एचसीएफ बन गया। ये एक्लुइड्स जी बोलते हैं, बस इतना काम हो गया। अब इन्होंने कहा था कि फाइंड एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग, यहां पे ये एक इक्वेशन है हमारा एचसीएफ कितना था 8। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन को मैं करता हूं, अब आप समझो ठीक है क्या अप्रोच, अब आप समझो क्या ऐसे लिखना सही है, देखना ध्यान से। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, मैं इसको सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं, मैं इसको थर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं। इस इक्वेशन को यूज करते हैं, इस इक्वेशन को यूज करते हैं, हमने इस इक्वेशन की फॉर्म में बनाना 56x प्लस 72y और ये d क्या दिया हुआ है HCF, किनका 56 एंड 72 का। हमें पता है HCF कितना आया हमारा 8 आया, HCF हमारा 8 आया ना, ये बात समझ रहे हो सारे? यस सर। अच्छा तो अब ये कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन यूज करती दिख रही है तुम लोगों को ये वाली कि 8 यहां पे पड़ा है, देखो 8 यहां पे है ना, तो मैं ऐसे लिखूं 56 इज इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8, बट मुझे तो किस फॉर्म में चाहिए d की, इसको एक तरफ रखना है तो 56 माइनस 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 8, देखो यहां तक पहुंचे। yes, sir. अच्छा अब देखो 72 लेके आना है, 56 तो आ गया, x तो यहां पे दिख गया, इसको 72 कैसे बनाए, देखो ध्यान से 16 को क्या लिख सकते हैं 72 माइनस 56, 16 को क्या लिख सकते हैं 72 माइनस 56, जुगाड़ लगाना है यार, इन्हीं इक्वेशन से जुगाड़ लग जाएगा हर बार, इन्हीं तीन इक्वेशंस को आपस में हेर फेर करना है। तो 56 माइनस 16 को क्या लिख दिया, अच्छा अब आप ध्यान से देखिए, देखो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, इन्होंने कहा है कि x और y निकालना है, तो मैं 56 और 72 की फॉर्म में बना रहा हूं 8 को, फिर पहले 56 की फॉर्म में बनाया कैसे, यहां से 8 को लिखा 56 माइनस 16 इंटू 3, अब कैसे लिखा 16 को 72 की फॉर्म में 72 माइनस 56 इंटू 1, अब देख के देखते हैं 56 माइनस 72 अंदर लेके जा रहा हूं 3 को, अब इसको फिर से तोड़ते हैं 72 इंटू 3 ये प्लस हो जाएगा 56 इंटू 3, अब इनको देखो ध्यान से ये क्या बनेगा 56 कॉमन निकाल लूं 1 प्लस 3 माइनस 72 इंटू 3 ये बन गया 56 इंटू 4 माइनस 72 इंटू 3, क्या 8 समझ आया कैसे बनाया, थोड़ा इधर उधर ही करिए टर्म्स को। अब आप कंपेयर कर सकते हो इसके साथ, इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, x की वैल्यू 4 दिख रही है और y की वैल्यू कितनी दिख रही है, भाई ध्यान से 3 मत बोल देना, y की वैल्यू है ये माइनस का 3, x और y निकल गए ना, y की वैल्यू माइनस 3 है कंपेयर करने के बाद, क्या ये समझ पा रहे हो बेटा, थोड़ा सा अभी बहुत से क्वेश्चन करेंगे घबराओ मत, बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा, ये समझ आया थोड़ा थोड़ा स्टेप कि मैंने ये चीज बनाने की कोशिश की इन तीनों को यूज करके, लकीली हो गया। अब x और y यूनिक नहीं है, क्या किसी और तरीके से तोड़ सकते थे, अगर यूनिक नहीं शो करना मतलब x और y कुछ और भी हो सकते हैं, और कौन सा तरीका है तोड़ने का,
बता सकते हो और कौन सा तरीका है? बताओ, अब तो काम इजी है। जब ये बन गया तुम सोच के देखो, 56 इंटू 4 माइनस 72 इंटू 3, यहां तक ओके है? यहां तक बताओ पहले, यहां तक ओके है नॉट ओके? ओके सर। वेरी गुड। अच्छा तो अब ये बात ध्यान से देखो, क्या ऐसे लिख सकता हूं प्लस 56 इंटू 72 माइनस 56 इंटू 72? बात तो एक ही है, अभी भी बात तो एक ही है, प्लस माइनस कर दिया टर्म्स, नेट तो अभी भी यही बन रहा है, नेट तो अभी भी यही बन रहा है। वेरी गुड। अब इन दोनों को इकट्ठा करो, इन दोनों को, अभी आपको समझ आने लगेगा कि क्या चल रहा है। जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे अंदर बन जाएगा 4 प्लस 72, और इन दोनों को इकट्ठा करो माइनस 72 कॉमन निकालो तो अंदर बनेगा 3 प्लस 56। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं, 56 इंटू 76 माइनस 72 इंटू 59। ये सही किया हमने, यहां से माइनस 72 कॉमन निकाला और यहां से हमने कॉमन निकाला 56 और यहां से हमने निकाला माइनस 72। हाँ ठीक ही है, बिल्कुल ठीक ही है, कोई गड़बड़ नहीं है ना, चेक करते रहना एक बार कैलकुलेशंस। समझ रहे हो सारे बच्चे, ये सारे समझ रहे हो? यस सर। यस सर। यस। अब इसको ऐसे लिखें दोबारा से, 8 इज इक्वल्स टू 56 इंटू 76 प्लस 72 इंटू माइनस 59। अब x और y कंपेयर करके देखो, 8 इज इक्वल्स टू 56x प्लस 72y से। अब x 76 आ रहा है, y ये आ रहा है, x और y चेंज हो गया। भाई बहुत से नंबर हैं x और y, आप वैसे ही प्रैक्टिकली सोचो बेटा, अगर ये एक इक्वेशन है तो इसमें x और y बहुत पॉसिबल है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, x और y यूनिक थोड़ी होंगे, बहुत से पॉइंट होंगे x और y, बहुत से पॉइंट होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? हमें ये बस अब थोड़ा सा एक्लूड्स के तरीके से प्रूव करना था, वैसे तो प्रैक्टिकली हमें पता ही है कि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। नहीं समझे बात को? देखो थोड़ा थोड़ा समझ आया, 5-10%। अभी क्वेश्चंस करते हैं और समझाता हूं। बताओ जिसको कुछ भी समझ नहीं आया वो कुछ बोल के, कोई बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी, ना आया हो। देखो ध्यान से क्या किया, 8 को तोड़ा, चलो एक क्वेश्चन और कर। क्या आप 8 को किसी और फॉर्म में तोड़ सकते हो? अब मेरे लिए 8 को किसी और फॉर्म में तोड़ सकते हो, और रखना यही है आपको, 56 72 तो रखना ही है, कुछ और तोड़ के देख सकते हो, और भी टूट जाएगा, और भी टूट जाएगा ये, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो। देखो इसका 2 टाइम्स ऐड कर दो, इसका 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कुछ और बन जाएगा एक्स और वाई, सीधी सी बात। बात समझ रहे हो? इसका 2 टाइम्स कर दो, इसका 3 टाइम्स कर दो, इसका 2 टाइम्स ऐड कर दो, इसका भी 2 टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स कर दो, कुछ और एक्स वाई आता जाएगा हर बार। क्या प्रैक्टिकली? हाँ जी, हाँ जी बोलिए सर। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से प्रूव नहीं कर सकते? हाँ क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन से हम फैक्टर्स निकाल लें दोनों नंबर्स के, और फिर उससे नहीं प्रूव हो सकता? क्या प्रूफ होगा उससे बेटा? सर कि x और y यूनिक नहीं है और x को फैक्टर वैल्यू निकालना, मतलब 56 और 72 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स निकाल लें, ऐसे बोल रहे हो? Yes, उससे तो हम कैसे बता पाएंगे गरिमा?
नहीं सर, मतलब हमने प्रूफ हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया। अगर हम सर उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल के, उससे नहीं प्रूव हो सकता था क्वेश्चन? नहीं देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझते हैं। मैं समझ गया तुम क्या सोच रही हो, बट ध्यान से देखो। पहले तो क्वेश्चन ये था कि एचसीएफ निकाल, ठीक है। अब इस पे चाहे तुम प्राइम फैक्टराइजेशन लगाओ, इस पे चाहे तुम एक्लूड्स डिवीजन लेमा लगाओ, एक बात हो गई, ठीक है। आपने एचसीएफ निकाल लिया दोनों का, ये बात ओके। अच्छा, अब एक क्वेश्चन क्या बन गया, चलो देखते हैं दोबारा से। अब क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा, कहते जी डी अगर आपका एचसीएफ है, मतलब जो मैं निकाल चुका हूं, अब एनी हाउ मैंने निकाल लिया, कोई भी मेथड लगाया कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बन गई क्वेश्चन। ये बात समझ रही हो गरिमा? यस। अच्छा, अब एक्स और वाई फाइंड करने हैं, एक्स वाई फाइंड करने हैं। भाई एक्स वाई भूमि का अगर निकालेगी तो अलग निकालेगी, तुम निकालोगी तो हो सकता है अलग निकाल दो। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है ना, ऐसे एक्स और वाई जो इसको सेटिस्फाई करें इनफाइनाइट होंगे। दिस इज नॉट योर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? नहीं सर, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हमने उसे यूक्लिड डिवीजन लेमा से करा, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैंने नहीं पूछा क्वेश्चन। अच्छा, मुझे जान मुझे लगा तुम पूछ रही हो। अरे मैं अभी इतना मिला नहीं हूं ना। हाँ, एक्स और वाई की वैल्यू वेरी कर सकती है निहारिका, जानवी उससे नहीं कर सकते बेटा, उससे हो नहीं पाएगा। ओके सर। हमें ये निकालना है कि अब एक्स और वाई डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ये प्रूफ करके दिखाना है। वैसे तो हमें पता ही है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आप टीचर को ये भी लिख दो कि ना कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड वी हैव इनफाइनाइट पॉइंट, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे इसको सेटिस्फाई करने वाले हैं, वो सारे इसको सेटिस्फाई करने वाले हैं। तो हमने यही प्रूफ करना है कि ये यूनिक नहीं होगा एक्स और वाई, हमने यही प्रूफ करना था कि ये यूनिक नहीं होगा। क्या समझ रहे हो? बहुत से एक्स और वाई होंगे, वेरी कर सकते हैं, बहुत से एक्स और वाई वेरी कर सकते हैं, है ना। अच्छा चलो, अब ऐसे क्वेश्चंस और करते हैं। आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ आया सबको? चलो एक्स और वाई कैसे निकालने हैं वो तो मैं क्वेश्चन से सिखा ही दूंगा, कि एक्स और वाई क्यों बहुत ज्यादा होंगे ये समझ आ गया, कि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। इतना yes, बहुत अच्छा। यस सर, जब कहते हैं कि मैथ में जब आपको बेसिक समझ आ जाए ना, अब उसको करना कैसे है ये तो कभी ना कभी हम सीख ही जाएंगे। ये तो देखो कभी मुझे भी नहीं आते थे, ऑब्वियसली सी बात है यार, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। देखो काफी क्वेश्चंस अभी भी ऐसे हैं जो मुझसे नहीं हो पाते हैं, मतलब मैं तो अभी शुरू ही किया है पढ़ना मैथ को, तो मतलब बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं यार जो मैं नहीं कर पाता। पहले एक्सेप्ट करो कि हमें नहीं आता, फिर वो सीखने की तरफ एक पहला कदम होता है। जो मेरा मानना है कि अगर आप अपनी गलती को, गलती तो नहीं है, अगर आप अपनी लिमिटेशंस को मान लो, उसके बाद हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। सारे लोग तो मानते ही नहीं है, काफी लोग तो मानते ही नहीं है, समझ रहे हो ना। हमेशा मान के चलो कि हमें कुछ नहीं आता, और फिर सीखते रहो, फिर सीखते रहो, हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, हर रोज नोट्स को रिवाइज करते रहो अच्छे से, नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से बनाओ, कलर्ड पेन्स को यूज करके बनाओ। और जो मैं नोट्स में क्वेश्चंस कराता हूँ वो करते रहो, हर रोज करते रहो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आरटी के हर टाइप का क्वेश्चन एक बार आपको करवा दूं। अगर आप नोट्स को बहुत अच्छे से कर दोगे ना, तो बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। देखो जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, अब ये तो है ही है ना, हम भगवान तो है नहीं, तो नोट्स को अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से अच्छे से अच्छे से, हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज, चाहे मैंने होमवर्क दिया है चाहे मैंने होमवर्क नहीं दिया, डजंट मैटर एट ऑल। चाहे आपको मेडिकल लेनी है चाहे आपको नॉन मेडिकल लेनी है, डजंट मैटर एट ऑल। मैटर इज क्या हमें सीखने को हर रोज मिल रहा है। अगर आप एक क्वेश्चन को भी हर रोज करो ना, तब भी उसमें से नई नई चीजें मिले, नई नई, अगर उसको मन से हर रोज करो, ठीक। चलो अब क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ, देखो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 81
एंड 237 बाय एक्लूइड्स डिवीजन लेमा. एक्लूइड्स डिवीजन लेमा ही लगाना ठीक है पेपर में, कहीं दूसरा मत लगा देना. जल्दी कर दो बस, ये तो अब सोखा ही है. पहले यहां पे कर दिया करो डिवीजन वाला धड़ाधड़, फिर लिखना सोखा हो जाता है. बड़े नंबर को डिवाइड करो छोटे से, डिवीजन करो अपनी अपनी सारे. वेरी गुड. देखो जल्दी जल्दी करते हैं यार, ये बहुत इजी काम था मेरे हिसाब से. 81 को जब आपने डिवाइड किया तो दो पे जाना चाहिए, कितना आएगा 162, कितना बना 75. इससे डिवाइड करो 81 को आप, एक पे ही कटेगा और ये बनने वाला है 6 से डिवाइड करो आप 75 को, और ये बनने वाला है 12 पे, और कितना बनेगा 72 3. अब 3 से डिवाइड करो 6 को, 2 पे 6 कट गया, तो ये वाला हमारा क्या बना, रिमेन HCl. ठीक है, अब इसको तोड़ मरोड़ के लिखना हो कैसे लिखेंगे, थोड़ा खोल के. भाई डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर, है ना. अब जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा चलते चलेंगे. अब 81 को डिवाइड करेंगे जो हमारा पहले डिवाइजर था. देखो जो किया हुआ है बस डिवाइजर क्वोशेंट इनटू डिविडेंड, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर. अब फिर से जीरो नहीं आया तो फिर से 75 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, 6 × 12 प्लस में 3. अब फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं आया, अब 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, ये जीरो आ गया तो ये HCF आएगा. ये क्लूइड्स ने बोला. अच्छा ये तो सबको आ गया है ना. अब हमारा क्वेश्चन क्या आया, एक्चुअल में क्वेश्चन ने पूछा एक्सप्रेस 81 एंड 237 इन अ लीनियर कॉम्बिनेशन. लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना, क्या कर सकते हो. मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में मतलब जो HCF है, जो HCF है, एक्सप्रेस HCF इन अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237, इन अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237. हमारा HCF क्या आया 3, मतलब मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिखना चाहता हूं, x इंटू 81 प्लस y इंटू 237. क्या x और y होंगे, क्या निकाल सकते हो क्या x और y होंगे, ये निकालना चाहता हूं. एक्सप्रेस HCF इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237. सोच के देखो, x बनाना है, 3 बनाना है इसकी फॉर्म में. पहले बनाओ 3 तो बनाओ एक तरफ 75, और दूसरी तरफ लेके तो जाओ टर्म्स को, टर्म्स को लेके तो जाओ, 3 तो बनाओ पहले. सोच के देखो, हमने इन चारों इक्वेशंस को यूज करके बना देंगे. देखो कैसे, मैं अगर थर्ड इक्वेशन को यूज करूं, जल्दी जल्दी करा करो, 3 को देखो, यूजिंग इक्वेशन थर्ड थर्ड को जब मैं यूज करूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं 75 - 6 × 12 = 3. इस टर्म को दूसरी साइड ले गया, देखो बच्चों समझ आया, यहां तक बताओ. अब मैंने 3 तो बना लिया, एक काम तो हुआ, अब ये कैसे बनेगा, तोड़ते हैं 81 और 237 में कैसे तोड़ेंगे. देखो ध्यान से, 75 को क्या लिख सकता हूं,
81 minus 6, देखो इसको यूज करो, 75 को मुझे किस किस चीजों में तोड़ना है, 237 में और 81 में, तो कैसे लेके आए भाई? तो सबसे पहले तो आप लोग एक काम करो, 6 को तोड़ो, है ना, 6 को तो तोड़ो, 6 को तो तोड़े 81 minus 75 में, 75 minus 85 into 12, देखो समझ आया, 85 तो टूटा नहीं, 81 minus 75 6 होता है ना, ये इक्वेशन 2 को यूज किया, इक्वेशन 2, क्या बात समझ आया, यहां तक बात समझ आया बेटा? आपको खुद ही करना है ये काम। देखो अब 81 एक नंबर आ गया बीच में, 81 दिखने लग गया, अब सारी चीजों को 237 में तोड़ना है, कैसे तोड़े, पहले थोड़ा फील करते हैं, 75 minus 81 into 12 minus minus plus 75 into 12, इन दोनों को क्लब करो, 75 कॉमन निकालो, 1 plus 12 81 into 12, ये 13 बनेगा, अब ये 75 बन गया, 81 into 12 बन गया, यहां तो 3 ही है, अब इसको नहीं छेड़ना क्योंकि 81 में तो टूट गया ना, 81 में तो टूट ही गई चीज, अब इस 75 को मुझे चेंज करना चाहता हूं मैं, और 75 को कर पाऊंगा ना, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, समझ पा रहे हो कि नहीं, अप्रोच को समझ पा रहे हो, करते जाना है, मेहनत करती जानी है थोड़ी, क्या बेटा इस बात को समझ पा रहे हो सारे, सच बताओ, आर यू क्लियर कि ये चीज क्या है? यस सर, यस सर। 75 को अब कैसे लिख सकते हैं, 13 into 237 minus 81 into 2 minus 81 into 12 is equals to 3, अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 13 into 237 minus 81 into 2 into 13 minus 81 into 12, 3 के इक्वल, अब इसको तो एज इट इज रखें, यहां से कॉमन क्या निकाल लें, माइनस का 81, तो 26 plus 12, 13 into 237 81, ये कितना बन गया, मैथ है, 38 हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन में टूट गया, देखो x into 81 आ गया, देखो ना ध्यान से, 81 into minus 38 plus 237 into 13 is equals to 3, ये हमारा x का काम कर रहा है, ये हमारे y का काम कर रहा है, क्या बात समझ आया? देखो बेटा क्या बात समझ आया, x और y का काम क्या कर रहा है, क्या समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा के नहीं? मैंने सिर्फ क्या किया, नंबर्स को चेंज करता गया, नंबर्स को चेंज करता गया, नंबर्स को चेंज करता गया, अगर आप इसको एक बार लिखोगे और दो बार करके देखोगे ना तो आएगा, अगर एक बार एग्जैक्टली आप लिख लो और दो बार इसको सोच के करो तो आने वाली है चीजें आपको, क्या बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? यस सर। हाँ जी, हाँ जी सर, आपने जो डिवीजन की एक बार दिखाना, हाँ हाँ दिखाता हूँ, ये सर इसमें एट, हाँ जी गलत कर दिया क्या सर, इसमें 81 into 2 किया है हमने स्टार्टिंग में सर, जब 3 से जा रहा है, 3 ज्यादा पास में, तो हमने 3 से क्यों नहीं किया, 81 into 3 करना कितना आ रहा है यार, 3 1 3 8 3 24 243 ज्यादा हो गया बेटा, सॉरी सर, कोई बात नहीं, लड़कियों से गलतियां होती रहती हैं, क्या नाम है आपका, आपने 237 लिखा था, मैंने 257 कर, अरे नाम तो बता दो, बिहारी का, अरे वेरी गुड,
स्वीट हो जाता है कभी कभी हो जाता है, कोई बात। मिस निहारिका देखो समझ आ गया ना, लीनियर कॉम्बिनेशन में ये तो आप खुद ट्राई करोगे ना बेटा तब समझ आने वाला है, ये वाली जो जुगाड़ है ये खुद ट्राई करने के बाद आपको समझ आने वाला है। क्या बात समझ रहे हो? लिखो और समझ की कोशिश करो। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ये सबसे बेसिक थ्योरम है मैथ की, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो। आप सोच के देखो पहले, कोई भी कंपोजिट नंबर बताओ। हां जी भूमिका जी बताइए, कोई भी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम को छोड़ दें, अगर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना? ये तो पता है यार, प्लीज। हाँ भाई भूमिका। सर थ्री, सॉरी सिक्स। लड़कियां दिमाग नहीं लगाती, मन से सोचती है ना। कंपोजिट नंबर सिक्स है, ठीक है भाई अभिदीप, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। करो भाई, टू इंटू थ्री। ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा इसको ऐसे बोल देगा टू इंटू थ्री, दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा। हाँ ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एक बच्चा इसको ऐसे बोल सकता है थ्री इंटू टू। भाई तीन को आगे लिख लो या पीछे लिख लो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर तो मैटर करता ही नहीं है। दो कितनी बार आ रहा है वो मैटर करता है, तीन कितनी बार आ रहा है वो मैटर करता है। अगर अभिदीप का एक बार दो आ रहा है, एक बार तीन आ रहा है, अभिनव का भी एक बार दो आएगा, एक बार तीन आएगा, मान लो 15 है, 5 × 3। अगर अभिदीप का एक बार 5 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, तो अभिनव का भी हो सकता है ऐसे लिख दे अभिनव, बट 3 और 5 तो एक एक बार ही आएगा। क्या ये बात समझ रहे हो भाई? ऑब्वियसली सी बात है, अब ऐसे तो है नहीं कि अभिनव तीन बार दो बार ले आएगा तीन को, एक बार पांच को, 15 नहीं बनना फिर। अच्छा अब आप सोच के देखो, चलो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या टाइम आ गया यार, ये कराना पड़ रहा। 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो भाई सारे। 156 की करो, 234 की करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जल्दी जल्दी कर डालो। वेरी गुड, ये तो वही करना है, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन। वो ऐसे करके करते हो गए सारे, 2 पे कट गया 70, फिर 2 पे कट गया 35, फिर 5 के कट गया 7, फिर उससे बड़ा 7 पे कट गया, तो इसको लिख दिया 2 × 2 × 5 × 7, प्यारा सा। ऐसे कर दो यार, इसको क्लब करके लिखना, क्लब करके लिख दो 2 की पावर 2 5 × 7, जल्दी करो। हाँ भी 156 बोल भाई अभिदीप। सर 2 की पावर 2 × 3 × 13, सही बोल रहा है भाई लड़का। 234 पे कितना आएगा गुरजोत?
234 पे बताना, एक स्क्रीनशॉट लेना अटेंडेंस का अभी इसी टाइम, कोई भी बच्चा, और मुझे अभी भेजना। 26 पार्टिसिपेंट्स हैं और क्लास के स्टार्टिंग में 29 थे। बिल्कुल करो, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? यस सर। वेरी गुड। 234 की अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो वो आया 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13। यस तो बेटा आपने देखा सबका ऐसा ही बना, ऐसा नहीं हो सकता किसी की 3 ज्यादा आ गए, 2 कम आया, 13 कम आ गए, मतलब समझ रहे हो ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो कर रहे हैं, कंपोजिट नंबर को प्राइम की प्रोडक्ट्स में तोड़ ले, सीधी सी बात है, लिख सकते हैं ना। एंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगी एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अक्कर। इस बात को अब मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे, अगर आप कॉन्शियसली पढ़ते हो साथ साथ लिखने के साथ समझते भी हो कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। और जो ये फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, यूनिक किस सेंस में है? कि अगर दो एक बार सबका आ रहा है तो सबका दो एक बार आएगा, अगर अभिदीप का एक बार दो आ रहा है तो सबका आएगा, तीन दो बार आ रहा है, 13 एक बार आ रहा है, सभी का ऐसे ही हुआ होगा। हाँ कोई बच्चा इसको ऐसे लिख सकता था, 13 को आगे लिख देता, फिर 3 की बार 2 लिख देता, फिर 2 लिख देता, ऐसे लिख सकते हैं, किस ऑर्डर में लिख रहे हैं वो मैटर नहीं करता, फैक्टराइजेशन है तो यूनिक, एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अक्कर, कि पहले 13 आ गया फिर 3 × 3, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ऑर्डर तो मैटर कर ही नहीं रहा मल्टीप्लाई में। बात समझ रहे हो कि नहीं? यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स भाई, बड़ी सिंपल है, बड़ी सिंपल है, कुछ नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. अब एक छोटी सी स्कीम सीखते हैं, देखना, छोटा सा इंपॉर्टेंट बात है, मुझे नहीं पता वो 10th में आता है कि नहीं आता, बट ये हमें पता होना चाहिए। अब कोई नंबर है बेटा, मैं उसकी प्राइम देख लो, लिख लो, बस दिमाग में लिखने वाली बात है ये, हल्की सी, 2 की पार 6 है, 5 की पार 8 है, 3 की पार 4 है, और मुझे बताना है जो भी ये नंबर होगा जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, इस नंबर के एंड में कितने जीरोज आएंगे, तुम में से कोई बता सकता है? देखो बिना मल्टीप्लाई करे ऑरली बताना, मल्टीप्लाई करके तो कोई भी बता देगा, और मल्टीप्लाई करेंगे भी नहीं, है ना। ध्रुव का बिल्कुल सही है, वेरी गुड ध्रुव, मतलब इसके पास दिमाग है, वेरी गुड। और कोई, बहुत बेसिक बात है मेरे हिसाब से, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कब सिखाते हैं आपको, गरिमा का नहीं, अमनप्रीत सिंह का बिल्कुल सही है, गरिमा का अब सही है, बहुत बेसिक है। अगर आप थोड़े ध्यान से देखो, सोच के देखो जीरो कैसे बनेगा, 10 10, एक ज्योत का गलत है, अभिनव का ठीक है, बिल्कुल, निहारिका का ठीक है, वेरी गुड निहारिका, याशिक का ठीक है, जानवी का गलत है, संत रूप का तो बहुत ही गलत है, मंथन का गलत है, अरे सारे तुक्के मार रहे हैं, कोई तो मारो, जशनदीप कौर का गलत है,
सुमनप्रीत का बिल्कुल सही है, वेरी गुड। जानवी का अब सही है, संतरूप का गलत है, मंथन का गलत है, बस। चलो अब देखो भाई, किसी भी नंबर में मान लो ये है 500 है, इसमें दो जीरोस आ रहे हैं, मतलब 5 × 10 × 10, मतलब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 10 बन रहा होगा। बात समझ रहे हो ना, प्राइम फैक्टराइजेशन में 10 बन रहा होगा। अब 10 बन रहा है तो मतलब कैसे बन रहा होगा ये 10? 5 × 2 5 × 2, भाई जितने पेयर 5 × 2 के मैक्सिमम बन जाएंगे उतने ही जीरोस बनने वाली हैं, जितने पेयर 5 × 2 के बन जाएंगे उतनी ही जीरोस बनने वाली हैं। इज दिस ओके और नॉट ओके? यस सर। जितने 5 × 2 के पेयर होंगे उतनी जीरोस आएंगी, ये बात तो ठीक है। अच्छा अब 5 × 2 के कितने पेयर निकाल सकते हो भाई? जो इनकी मिनिमम पावर है, 2 × 5 का एक पेयर बन जाएगा, 2 × 5 का एक 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 बन जाएगा। भाई 6 × 2 यूज हो गया, अब बचा ही नहीं 2, 5 हमारे पास ज्यादा पड़े थे, अब क्या करें अगर ज्यादा है? 10 तो कितनी बार बनेगा? 6 बार ही बनेगा, तो 6 जीरो आनी एंड में, नंबर कुछ भी हो कि एंड में 6 जीरो आएंगी। ये समझ आया लॉजिक कि नहीं आया? भूमिका समझ गई? Yes. मुझे था कि तुम बता दोगी। यस सर, आगे। हाँ भैया अभिदीप, समझ आया कि जीरोस कैसे बन गए? Yes, sir. दस से बन गए, 10 से। दिमाग तो तेरा है, बस तू पढ़ता ही नहीं अभिदीप। 10 से बनती है ना, 10 कैसे बनेगा? 5 और 2 से बनेगा, सीधी सी बात। कोई ज्यादा औखी बात नहीं थी मेरे हिसाब से, सोच सकते थे ना, सोचा जा सकता था इसको। अच्छा इसलिए मैं कहता हूं ओलंपियड की क्लास लगाया करो, आपको थोड़ा सोचना आएगा। मुझे लगता है 2-3 जानी लगाते हैं आप में से, कोई नहीं लगाता, क्या जरूरत है सर, तो पागल है, संडे खराब करता अपना भी हमारा भी। अच्छा अब मुझे ये बताओ, कि 12 की पावर n कोई भी नंबर है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, n इज पॉजिटिव इंटीजर, क्या कभी इसमें एंड में जीरो आ सकती है? सोच के देखो, क्या कभी एंड में जीरो आ सकती है? यस और नो? बस, वेरी गुड ध्रुव, शाबाश। अरे ये बच्चा सही, अभिनव भी सही करता है काम, ये भी सही करता है, संतरूप भी सही कह रहा है, गरिमा सही कह रही है। अरे काविन जी महाराज, कुछ तो शर्म करो, अभी मैंने जोर लगा के समझाया। जानवी सही बोल रही है, जशनदीप सही बोल रही है, निहारिका मैम देखें कहां पे हो तुम, सो रही हो क्या निहारिका? अरे मैंने पूछा कि 12 की पावर n कोई नंबर है, जैसे 12 हो सकता है, अगर n 1 हुआ 144 हो सकता है, 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है 1728, ऐसा कुछ। और इसके इस ऐसे जो नंबर्स हैं, क्या कभी जीरो आ सकता है? हो ही नहीं सकता, आ जाएगा तो क्यों? सोच के देखो 12 कैसे बना है, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो भाई, ये बनेगा 2 की पावर 2 × 3 पूरे की पावर n, कल्ले कल्ले पे पावर आने वाली है मल्टीप्लाई में, ये बनेगा 2 की 2n × 3 की पावर n। अब जीरो बनने के लिए 2 तो हैं पर 5 तो है ही नहीं, 10 कैसे बनना था? जीरो एंड में कैसे बनती नंबर के? 10 से 10 बनना था, 2 और 5 से, 5 तो है ही नहीं यहां पे निहारिका जी, तो जीरो बनना नहीं है, नो जीरो पॉसिबल। भाई बात समझ रहे हो कि नहीं? इतनी चीजें तो आनी चाहिए यार हमें, मतलब ये तो बेसिक बात थी, नहीं बताओ समझ आया कि नहीं समझ आया?
यस सर। देखो बेटा नोट्स को अच्छे से बनाओ, हर रोज पढ़ो, हर रोज, यही तरीका होता है मेहनत करने का। और मैं आपको बता दूं, जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं वो कामयाब होते हैं, बजाय कि जिनका ज्यादा दिमाग होता है, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस, एलन मस्क, रतन टाटा, ये सब लोग मेहनत ज्यादा करते हैं, बजाय कि इनका दिमाग ज्यादा नहीं है। रतन टाटा इस एज में भी सिर्फ 6 घंटे सोते हैं, 60+ हैं वो, 6 घंटे। आप लोग 6 घंटे खराब करते हो। होमवर्क है 1.1